नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। निर्भया केस मामले में कई बार फांसी टली, लेकिन इस बार नहीं टल सकी और उनको आज सुबह 5:30 बजे फांसी दी गई। हम आपको बता दें कि दुनिया को झकझोर देने वाली घटना निर्भया कांड में आखिर आज चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। आज सुबह करीब 5:30 बजे फांसी दी गई। आपको बता दें कि इन चारों को फांसी के लिए लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार निर्भया के दोषियों को आज फांसी मिल गई। इससे पहले निर्भया के दोषियों पे वकील ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगाए। आखिरकार 20 मार्च 2020 शुक्रवार को निर्भया के चार दोषियों मुकेश, अक्षय, विनय, पवन को सुबह 5:30 बजे फांसी पर लटका दिया गया। आपको बता दें, सुबह नहाने के बाद नए कपड़े पहनाए गए, चाय दी गई, उसके बाद उनके मौत से पहले उनके कर्मों की सजा उन्हें सुनाई गई। जब डेथ वारंट पढ़ा गया, उसके बाद उनके चेहरों पर काले कपड़े ढक दिए गए। जल्लाद ने उनके हाथ पैरों को बांध दिया था। बताया जा रहा है कि मौत को सामने देख विनय रोने लगा था, मगर जेलर ने जैसे ही रुमाल गिराया, जल्लाद ने लीवर खींच दिया था। निर्भया के गुनहगारों को उनके किए की सजा मिल गई। फाइनली उनको फांसी पे लटका दिया गया है। ये आज 7 साल का संघर्ष था। आज का दिन 20 मार्च है। आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खासकर अब देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने युधिष्ठिरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। निर्भया के लिए दिन ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का दिन है। न्याय का दिन है, सुरक्षा का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को हम कितने भी व्याख्या कर लें कम पड़ जाएगा, क्योंकि आप जहां से भी आपको खबर मिलती होगी, हर जगह से एक ही होगा कि निर्भया को आज न्याय मिल गया, हम खुश हैं। निर्भया के दोषियों की फांसी मिलने के बाद लोगों में जश्न का माहौल है। एक लंबी लड़ाई के बाद निर्भया की आत्मा को शांति मिल गई। इंतजार तो बहुत लंबा था, मगर जिस तरह से निर्भया को न्याय मिला, पूरा देश खुशियां मना रहा है। इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।